वादियाना शहर के ट्रैफिक में कितना लेट हो गया हूँ। देखो जरा चल के बॉडी को अच्छी तरह से चेक करो। पेट में से खून निकलता था सर, हथेलियां बाहर आ रही थी, पेट में से ये पैकेट्स निकलने लगे हैं। वही तो देख रहा हूँ, ये हथेलियां गई कहाँ? क्या है इस पैकेट में, देखो जरा। ड्रग्स है सर। उस शिपिंग कंपनी का नाम लिखा हुआ है सर, जिसके जरिए ये ताबूत भेजा जा रहा था। व्हाइट एरो शिपिंग। हाँ मम्मा, जानती हूँ थोड़ा लेट हो गया, बट यू डोंट वरी, 2 घंटे में घर पहुँच जाऊंगी। थोड़ा लेट हो गया आयशा, ये दूसरी बार हो रहा है, अब मैं तुम्हें पुनः कभी नहीं भेजूंगी। इतनी रात हो गई और हाईवे पर अकेले, इट्स नॉट सेफ पापा। अच्छा मम्मा, ड्राइव करते समय बात नहीं कर सकती, एक बार घर पहुँच जाओ फिर अच्छे से डांट लेना, ओके? अच्छा माँ, मैं रखती हूँ, बाय। एक्सक्यूज मी, मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? वो मैं नींद से बस से गलत स्टॉप पे उतर गई हूँ, तब से बस यहीं फंस गई हूँ। इस लगेज के साथ तो चलना भी मुश्किल हो गया है। आई डोंट नो व्हाट टू डू। कहाँ तक जाना आपको? जी वहाँ आगे तक, उस साइड। जी ठीक है, मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ। रियली? थैंक यू सो मच। ये कैसा रास्ता है? यहाँ तो दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा है। बस थोड़ा सा आगे, और वो सामने गेट है ना, वहाँ पे। बस बस बस, अब यही रोक दीजिए। यहाँ बस यही है मेरा घर, पर यहाँ तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। वो एक्चुअली मेरा घर गेट से थोड़ा सा अंदर जाके है। चलिए मैं आपको छोड़ देती हूँ। सो स्वीट ऑफ यू। आप मेरा लगेज ले लेते हैं। यस श्योर। आइए। मीना, वो क्या है? कहाँ? अश्विन गाड़ी रोको, रोको गाड़ी। तुम ही रोको। ड्राइवर भी जल गया। Oh God! देखिए, वो पैकेट आपको भेज दिया गया है और वो आपको मिल भी चुका है। मेरे हाथ में पेपर है, उस पर किसी के साइन है। थैंक यू। क्या हुआ सर? अब इनको तुम अंदर जाओ और पानी लेकर आओ। बैठिए सर। कहाँ भेज रहे हो और क्या भेजना है? सर अब ये लोग CID से। हाँ तो क्या हुआ? CID? ये कंसाइनमेंट नंबर EW1243। मैनेजर साहब, ये लिफाफा खोल के देखिए, इसमें आपके शादी के फोटोग्राफ्स हैं। सर ये ताबूत हमारे पास आया था, लेकिन ड्राइवर ने हमें किसी एक्सीडेंट के बारे में नहीं बताया। मिस्टर, अब तुम इस बात के पीछे छुप नहीं सकते कि तुम्हें इस एक्सीडेंट के बारे में कुछ मालूम नहीं। हाँ? तुम बुरी तरह से फंस चुके हो। इस लाश के पेट में ड्रग्स के पैकेट किसने रखे? ड्रग्स? हाँ। अगर ये एक्सीडेंट नहीं होता तो किसी को पता भी नहीं चलता। देखिए सर, हमारा काम है पैकेट उठाना और डिलीवर करना। सर, जिसने भी लाश के पेट में ड्रग्स भरे हैं, हम सपने में भी इस बारे में नहीं सोच सकते। इस ऑर्डर की डिटेल्स कौन है? ओके सर। शिमजी। सर, शिमजी आइलैंड भिजवाना था। ये कॉफी। इसे डुमास और मार्ता ने ऑर्डर दिया था। हाँ सर, एड्रेस तो म्यूजिक स्कूल का है। सर, ये डुमास और मार्ता कौन थे? जिस आदमी की लाश है, उनके साथ इनका कोई रिश्ता? मैम पता नहीं। कौन क्या सामान भिजवाता है तुम्हारे यहाँ से, ये देखना काम नहीं है तुम्हारा। हाँ, चलो हमारे साथ इस म्यूजिक स्कूल में, और वहां चल के पहचानो इन्हें। हेलो, हाँ अच्छा ठीक है। मुंबई लोनावला रोड पे एक एक्सीडेंट हुआ है। कार पूरी तरह से जल चुकी है, एक लाश भी है उसमें। आप लोग जब यहाँ पे आए तो ये गाड़ी जल रही थी। किसी और को देखा यहाँ आसपास? नहीं सर, कोई और नहीं था, बस हम लोग थे और ये जलती हुई कार थी। सर, हम जब यहाँ आए तो उससे पहले एक्सीडेंट हो चुका था। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। फोन करने के लिए शुक्रिया। सब कुछ बुरी तरह से जल चुका है। ये सोने के चेन तो जल के चिपक गई पर है, चोरी नहीं हुई। मतलब लाश की फोटो निकाली? हाँ सर, सब एंगल से। हाँ सर। ठीक है, बाहर निकालो सर। कोई आइडेंटिफिकेशन मिला अंदर? हाँ सर, गाड़ी में पर्स, मोबाइल, डिक्की में जो बैग है वो पूरी तरह से जल चुका है। कुछ पता नहीं चल रहा है कि कौन है। ये एक्सीडेंट अपने आप हुआ है या किसी ने जानबूझ के किया है, यह भी बताना जरा मुश्किल है। किया गया एक्सीडेंट? हाँ, ये अपनी जगह से हिला ही नहीं, अपने आप को बचाने की कोई कोशिश नहीं किसने। सर, ये कंकाल किसी लड़की का लगता है। लड़की जल के मरी है, गाड़ी का नंबर प्लेट भी जल गया है। एक काम करते हैं, गाड़ी का चेसिस नंबर या इंजन नंबर देखते हैं, उसी से पता चलेगा कि कार है किसकी। ये कार्लोस है ना, आपके म्यूजिक स्कूल में पियानो सिखाता था? जी सर। ये कार्लोस का कॉफिन यहीं से भेजा था ना? जी, इंडिया से बाहर सुरकुड़ू, वहीं पर रहता था ये सर। कॉफिन में लाश भेजी थी या ड्रग्स? बॉडी में से ड्रग्स मिले हमें, समझे? क्या ड्रग्स? हाँ ड्रग्स। सर आप क्या कह रहे हैं? सही कह रहा हूँ। कार्लोस की मौत कैसे हुई? कैसे हुई कार्लोस की मौत? सर उस दिन वो पियानो क्लास में अचानक वो गिर पड़े सर, और उसके बाद फिर वो उठे ही नहीं सर। वो तो फिर तुम लोगों ने कार्लोस के परिवार वालों को क्यों नहीं बुलाया? सर उसने अपने जो जो कांटेक्ट नंबर दिए थे सब पे हम फोन कर ही रहे थे कि उसके भैया और भाभी दुमस और मार्ता खुद आए यहाँ। क्या कार्लोस के भैया और भाभी यहाँ पर खुद आए? अगर भैया भाभी यहाँ पर थे तो कार्लोस की लाश तुमने स्कूल के पते से क्यों भेजी? सर उसके भैया और भाभी बाहर से आए थे छुट्टियां मनाने के लिए, वे यहाँ होटल में ठहरे हुए थे, उनका यहाँ अपना कोई एड्रेस नहीं था, इसलिए उन्होंने हमारे म्यूजिक स्कूल के पते से कफिन भिजवाया। अच्छा तो ठीक है, हम पता लगा लेंगे कार्लोस के भैया भाभी से। कहाँ पर ठहरे हैं? किस होटल में? सर मैं अभी बताता हूँ, जल्दी बताओ। यहाँ पे सिर्फ म्यूजिक ही सिखाया जाता है? हाँ सर, गाना बजाना, इंस्ट्रूमेंट जैसे पियानो, तबला, लगभग सारे इंस्ट्रूमेंट सिखाए जाते हैं सर। सर ये रहा एड्रेस, राज पैलेस। सचिन चेक करो जरा। बताओ, हमारे साथ चलो। तुमने देखा ना भैया भाभी? जी सर। उनका स्केच बनवाना है, ब्यूरो में चलो हमारे साथ। जी सर। ये कार्लोस किसी बीमारी से नहीं मारा गया है। इस लड़की का भी यही हाल है सर। अगर एक्सीडेंट ना भी हुआ होता तब भी ये बच नहीं सकती थी। इसका मतलब है इन दोनों का खून करके सीधी सादी मौत दिखाने की कोशिश की गई है। सर ये मौत टेढ़ी मेढ़ी है या? दया, इन दोनों का ही खून किया गया है। क्या खून? हाँ, इस आदमी का पेट तो पहले ही काट करके खाली कर दिया गया था पैकेट्स भरने के लिए, और इसके फेफड़ों में मुझे ये मिला है। क्या ये मैकोडियम है, एक किस्म का पॉइजन। पर ये इसके फेफड़ों में पहुंचा कैसे? इस आदमी को मैकोडियम देकर के धीरे धीरे मारने की कोशिश की गई ताकि इसके शरीर में किसी किस्म के कोई घाव न दिखाई दे। और सर ये लड़की, इसका खून कैसे हुआ? मैं दिखाती हूँ। ये इसके कंधे पर ये जो छेद दिख रहा है, गोली मारी गई है इसे। गोली आर पार हो चुकी है सर। मगर हमें गाड़ी में गोली या गोली का शल तो नहीं मिला? वो तो पता नहीं सर, मगर इसकी मौत तो गोली लगने की वजह से ही हुई है, और कार को बाद में जलाया गया था। इस लड़की का चेहरा बुरी तरह से जल गया है। कोई बात नहीं सर, आप इस लड़की का चेहरा फिर से बना सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, बन जाएगा। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन बन जाएगा। तो है मेरी आयशा, कुछ तो बताइए। हमें आपकी बेटी आयशा की गाड़ी मिली है लोनावाला रोड पर, और गाड़ी पूरी तरह से जल चुकी है। हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर क्या हुआ होगा। क्या हो गया ये सब? कितना दर्द हुआ होगा उसे। मुझे मेरी बेटी को मिलना है, एक बार उसको गले लगाना है। वो गाड़ी काफी देर तक जलती रही, उसकी बॉडी पूरी तरह से जल चुकी थी। क्या मेरी आयशा, देखिए आप संभालिए अपने आप। क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? आप जानती थी आयशा मुंबई लोनावाला रोड पर थी? क्या उसने आपको फोन किया था? हाँ, रात को फोन किया था, करीब 12:30 बजे थे। कह रही थी सुबह 4 बजे तक वापस आ जाऊंगी। जब वो फोन पर बात कर रही थी आपके साथ तो क्या वो डरी हुई थी या कुछ परेशान वगैरह थी? ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा था, लेकिन हाँ जब वो फोन रखने वाली थी ना तभी शायद उसने विंडो खोली थी, हवा की आवाज आ रही थी और फोन काटते काटते वो किसी से कुछ कहने वाली थी। जो लड़की अक्सर उस रास्ते से आती जाती रहती थी वो रास्ता पूछने के लिए तो अपनी गाड़ी रोकेगी नहीं वहां, तो फिर आयशा ने अपनी गाड़ी रोकी क्यों? क्यों रोकी आयशा ने गाड़ी? हाँ ठीक है, तुम शुरू करवाओ। ओके सर, वो स्केच आर्टिस्ट आ चुका है। मुझे स्कूल के टीचर्स और उस मैनेजर की मदद से कार्लोस के भैया भाभी के स्केच बनवा रहे हैं। एक्सीलेंट। आयशा की जहां से मैं गाड़ी मिली वहां से 3 रास्ते निकलते हैं, एक गोरखी गांव की तरफ, दूसरा पेट्रोल पंप की तरफ और तीसरा ये बूंदी घाट की तरफ। और गाड़ी बूंदी घाट वाले रास्ते पर मिली है। बूंदी घाट पर? सर कोई बूंदी घाट वाले रास्ते पे क्यों जाएगा? वहां से आगे तो कोई रास्ता है ही नहीं, डेड एंड है सर, सीधे खाई पे खुलती है सड़क। वही तो। पूर्वी एक काम करो, बूंदी घाट की पुराने केसेस की एक फाइल है, लिख रहा सर। हाँ हेलो। हाँ क्या एसीपी साहब को भी इसी बात पे शक था? सर माना जाता है एक बार बूंदी घाट की तरफ जो जाता है वापस लौट के नहीं आता, यहाँ तक कि उसकी लाश भी नहीं मिलती है। वही तो, देखा दया कितने सारे रिपोर्ट्स हैं और ये गायब होने का सिलसिला नवंबर 2009 से चालू हुआ है। सारे पेपर में अफवाहें अफवाहें हैं। ये कार्लोस का कॉफिन कहाँ पे मिला था? सर मुंबई के रास्ते में जुने एरिया में सर, उसी जगह के पास जहाँ पे आयशा की गाड़ी मिली थी सर। एग्जैक्टली। कहीं ये दोनों केस जुड़े हुए तो नहीं है? बिल्कुल दया, कोई ना कोई तो कनेक्शन जरूर है। स्केचेस रेडी है सर, मगर हो सकता है कि ये कार्लोस के भैया भाभी हो ही ना। मतलब? अब सचिन सर का फोन था, कार्लोस का एड्रेस और फोन नंबर सब गलत है। तो फिर इन दोनों का एड्रेस भी तो गलत होगा। हो सकता है सर। काम करो, ये दोनों के स्केचेस सारे पुलिस स्टेशन में भेज दो और पता लगाओ कि ये सो कॉल्ड भैया भाभी है कौन। और दोबारा उस जगह पर जाना पड़ेगा जहां पर आयशा की गाड़ी मिली थी। ये तो मालूम हो गया कि आयशा की मौत एक्शन की वजह से नहीं, गोली लगने से हुई है। और सर ये खून चोरी के लिए नहीं किया गया। वो गाड़ी में अकेली थी, उसके साथ कोई नहीं था सर। पर सर यहाँ पे तो कोई ऐसा बोर्ड भी नहीं लगा जो ये बताए कि ये रास्ता बूंदी घाट की तरफ जाता है और आयशा तो मुंबई जा रही थी, तो फिर ये डायवर्शन क्यों लेगी वो? डायवर्शन तो वो तब लेती शायद जब उसे किसी ने बूंदी घाट के रास्ते पे बुलाया होगा कि आगे वाला टर्न बूंदी घाट के लिए जाता है। देखते हैं। ये है वो रास्ता जो इंसान निकल जाता है। ये सारी कहानियां हम बंद करेंगे। तो यहाँ पे तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, ना ही कोई घर है ना ही कोई बिल्डिंग। ये आयशा यहाँ पे आई क्यों होगी? और सर आगे जहाँ पे रास्ता खत्म होता है वहाँ खाई, बस डेड एंड। इस सड़क के किनारे ये सूखी घास क्यों पड़ी हुई? सर ये गड्ढे शायद इसलिए खोदे गए हैं ताकि यहाँ कोई साइन बोर्ड वगैरह लगा सके। क्या कोई साइन बोर्ड लगा होगा? यहाँ आगे जाना मना है या फिर डेड एंड? इसने उसे हटा के गड्ढों के ऊपर घास पत्तियाँ डाल दी। लेकिन इन सब का क्या फायदा? कोई ऐसा करेगा ताकि अगर कोई लिफ्ट मांगे और कहे कि इस रास्ते पे जाना है, गाड़ी वाले को पता ही ना चले कि आगे कोई रास्ता है ही नहीं। बूंदी घाट पे जाना ही पड़ेगा। खाली लंबी सड़क है और दूर दूर तक कोई नहीं। हाँ सर, यहाँ से लोग गायब कैसे हो जाते हैं? ये देखिए सर, सामने गेट है। स्टेट सिमेट्री 1790। चलो कुछ तो मिला इस रास्ते में। सर इस जगह पे कोई आता भी होगा क्या? तो लगता है ये कब्रिस्तान काफी वक्त से बंद पड़ा है। रास्ते में इसके अलावा कोई जगह नहीं है, मगर कुछ तो है इस जगह के बारे में। सर अच्छा हुआ आपने चेहरा बनाने का प्रोसेस शुरू किया, नहीं तो हम सबको लगता कि ये वही है। हाँ तारिका, लेकिन जैसे ही फैक्स आया मैं तभी समझ गया कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। कुछ गड़बड़ है सर? क्यों? इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया आपने? सर इस आयशा के कंकाल से कुछ और भी पता चला है क्या? अरे ये आयशा का कंकाल ही नहीं है, इसीलिए बुलाया मैंने आप लोगों को यहाँ पर। ये क्या बात कर रहे हैं? हमने तो आयशा का फोटो आपको फैक्स किया था और आपको बताया भी था कि उस गाड़ी के चेसिस नंबर से उसका घर का एड्रेस मिल गया था और डिटेल्स भी, इसीलिए तो आपको फिर से वो चेहरा बनाने के लिए मना किया। दया, जब तक तुम लोगों ने फैक्स भेजा तब तक मैं इस खोपड़ी को स्कैन कर चुका था। पर सर काम तो हो गया ना, लड़की का पता चल चुका है। वही तो दया, तुम्हारी भेजी हुई फोटो और कंप्यूटर का बनाया हुआ चेहरा, ये दोनों तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। दरअसल इसीलिए बुलाया मैंने आप लोगों को यहाँ पर। आओ दिखाता हूँ। ये देखो, ये आप लोगों का फैक्स किया हुआ फोटोग्राफ और ये इस कंकाल का रिकंस्ट्रक्ट किया हुआ चेहरा। दया, अगर ये आयशा है तो ये कंकाल आयशा का नहीं है। ये लड़की, इसका चेहरा तो कार्लोस की भाभी के चेहरे जैसा है। मतलब आयशा की गाड़ी में जो लाश मिली थी वो आयशा की नहीं थी, कार्लोस की भाभी की थी। अगर ये कंकाल कार्लोस की भाभी का है तो फिर ये आयशा ये कहाँ है? सर ये लड़की जुर्म की दुनिया की बहुत पुरानी खिलाड़ी है। करीब 7-8 केसेस फ्रॉड और चोरी के रजिस्टर्ड हैं इसके खिलाफ। इतने सारे नाम, पते, आईडी, सब नकली। ये आखिरी बार रिपोर्ट कब लिखवाई गई थी? जनवरी 2012 पर कार्लोस ने रिपोर्ट लिखवाई थी इसके खिलाफ। सर इसका मतलब ये महुआ कार्लोस की भाभी होने का ड्रामा कर रही थी। सर कार्लोस ने महुआ के खिलाफ एफआईआर लिखवाई है। इसमें तो साफ साफ लिखा है कि महुआ कार्लोस को जहर दे के मारने की कोशिश कर रही थी। सर इस कार्लोस ने तो खुद एफआईआर लिखवाई थी, तो उसका ये वाला एड्रेस असली होगा। म्यूजिक स्कूल में तो गलत एड्रेस लिखा हुआ था। सब वो गड़बड़ शायद दुमासा और मार्ता ने ही की होगी। हो सकता है, पता नहीं कार्लोस के घर वालों को उसकी मौत के बारे में पता है भी कि नहीं। आप लोग कार्लोस के दोस्त हैं ना? म्यूजिक स्कूल से आए ना? आइए अंदर आइए। कार्लोस नहीं आया, आइए ना बैठिए। क्या बात है, कार्लोस किधर है? प्लीज आप बैठिए। देखिए दरअसल हम लोग कार्लोस के दोस्त नहीं हैं, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी से? क्या बात है, मेरा कार्लोस ठीक तो है ना? बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कार्लोस अब इस दुनिया में नहीं है, उसका खून हो गया है। खून? मेरे कार्लोस का खून हो गया? ऐसा कैसा हो सकता है? मुझे पता था कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि वो अचानक से गायब हो गया। जी, उसे किसी ने जहर दे दिया। मेरा बेटा! कि मैडम, पुलिस स्टेशन से हमें एक एफआईआर मिली है जो कार्लोस ने लिखवाई थी आपकी मेड महुआ के खिलाफ। आपको इसके बारे में कुछ पता है? कार्लोस को मेरी बहुत चिंता रहती थी, इस उम्र में सारा काम मैं नहीं कर सकती थी, इसीलिए उसने देखभाल के लिए महुआ को रखा था। फिर क्या किया महुआ ने? पहले तो बहुत सीधी सादी थी, घर का सारा काम करती थी, यही रहती थी वो, पर बाद में कुछ अजीब सा लगने लगा। मुझे पूरा शक है उसी ने जहर देकर मारा है मेरे बच्चे को, उसी ने मारा है मेरे बच्चे को। मुझे कब तक थी वो यहाँ पे? जिस दिन से कार्लोस नहीं आया उसके अगले दिन से वो भी गायब हो गई। मैं आपके हाथ छोड़ के विनती करती हूँ, एक बार मुझे मेरे बेटे को देख लेने दीजिए। एक आखिरी बार मैं मेरे बेटे को देखना चाहती हूँ इंस्पेक्टर। जी जरूर, हम उसकी बॉडी यहाँ भिजवा देंगे। आप प्लीज हिम्मत रखिए, हम लोग कार्लोस के खूनी को छोड़ेंगे नहीं। आपने बताया ये महुआ यहीं पे रहती थी, तो कोई कमरा वगैरह होगा, वो हम देख सकते हैं? जी, बाहर से पीछे की तरफ। अपना सारा सामान ऐसे ही छोड़ के भाग गई है। काम करो, घर को अच्छी तरीके से चेक करो, देखो कुछ मिलता है। सर ये देखिए 10 कॉफिन्स का ऑर्डर। 10 ताबूत? सर को इतने सारे ताबूत इकट्ठे क्यों खरीदेगा? अब ये तो ताबूत बनाने वाला ही बताएगा। एक बात ध्यान से सुन लो, बाद में मत पूछना, ठीक है? ये वाला जो है ML पाथारे रोड पे जाएगा। ये जो 4 है ट्रक में इकट्ठे भेजना, और जो 3 है ना वो पुलिस। आप सर 1 मिनट में लिस्ट समझा दूं, फिर आपसे ऑर्डर लूँ, ठीक है? तो ऐसा हुआ है कि एक ही घर में एक साथ 10 लोग ऐसे ही मर गए? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। जरा ध्यान से बिल देखो। एक औरत ने तुम्हारे यहाँ से 10 कॉफिन्स बनवाए, क्यों? और तुम्हें कोई शक क्यों नहीं हुआ? आप कौन? हम भी कॉफिन बनाने के धंधे में हैं। और हम भी अपराधियों को कॉफिन में डाल के ले जाते हैं। आप CID? सर देखिए, मैं नहीं जानता कि महुआ मैडम ने एक साथ 10 कॉफिन क्यों बनवाए थे। महुआ मैडम? हाँ, उनका नाम महुआ है। कि महुआ मैडम 10 कॉफिन लेने के लिए यहाँ पर आई थी या तुम लेकर गए थे? सर मैंने ही पहुँचाया था, पर सर उनका एड्रेस उल्टा सीधा था। कोई बात नहीं, एड्रेस सुने तो सही, है क्या उनका एड्रेस? ये कारपेंटर कॉफिन बूंदी घाट क्यों भेजता था? है क्या वहाँ पे बूंदी घाट में कॉफिन? सर कार्लोस का कॉफिन तो हमें वहीं उस जगह के आसपास ही मिला था, और वहाँ पे कोई पुराना कब्रिस्तान है 19वीं सेंचुरी का, वो भी ऐसा कब्रिस्तान सर जो खंडर बन चुका है। हाँ सर, फिर कारपेंटर के भेजे हुए कॉफिन जाते कहाँ हैं? वही तो। दया सर, पता लगाने का एक तरीका है, बंद कर देते ये बूंदी घाट वाला केस। हाँ सर, यही एक तरीका है। मैं सारे न्यूज़पेपर्स और चैनल्स में ये न्यूज़ फ्लैश कर देता हूँ कि सीआईडी ने बूंदी घाट का केस बंद कर दिया है। मुंबई लोनावला रोड पर जो बूंदी घाट का इलाका है, गायब हो रहे लोगों के केस में अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। जो गाड़ियाँ जली हुई मिली हैं, उनके बारे में पुलिस का कहना है कि वो सब शायद एक्सीडेंट की वजह से जल गई हैं, इसलिए वो इस केस को बंद करने के लिए बोल रहे हैं। सीआईडी ने कहा है कि वो इस केस को बंद करेंगे। ये थे अब तक के समाचार। नमस्कार। प्लीज मेरी मदद कीजिए। गलती से बस से यहाँ उतर गई और सारा सामान भी मेरे पास है। प्लीज मुझे थोड़ा आगे तक ड्रॉप कर देंगे? ऑफ कोर्स, प्लीज बैठिए ना। कौन कहता है कि बूंदी घाट का केस बंद हो गया? केस तो अब खुला है। थैंक यू सो मच। सीआईडी का फेंका हुआ पासा कभी खाली नहीं जाता। एक्चुअली एस्टेट है उनका यहाँ पे, काफी अंदर जाके है, बट इट्स ओके। आप मुझे यहीं ड्रॉप कर दीजिए, मैं आप तब चली जाऊंगी। कोई बात नहीं, मैं छोड़ देता हूँ अंदर। थैंक्स अ लॉट। तुम्हारे अंकल के घर का रास्ता कब्रिस्तान से? मुझे पकड़ने से तुम्हारी मुश्किल आसान हो गई? नहीं, कभी नहीं। ये इंजेक्शन देख रहे हो? ये इंजेक्शन राज को राज ही रखेगा। सर, ये तो मर गई। थैंक गॉड बच गया, वरना आप लोगों के मिशन के लिए तो आज शहीद हो जाता। सीआईडी के मिशन के साथ जुड़े हो तुम, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। एनीवेज, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। तुम गाड़ी में जाके बैठो। लड़की किस राज के बारे में बात कर रही थी? एक काम करो, आसपास ढूंढो, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। ये देखो, अब समझ में आया। उस पेंटिंग में एक नंबर लिखा हुआ था, 1920 से 1982। जरूर उन गायब हुए लोगों का राज इस कब्र में छुपा हुआ है। खुद उसे संभाल के। ये है बूंदी घाट का वो राज जहाँ लोग आके गायब हो जाएं, ताकि लोगों को मार के ड्रग्स की स्मगलिंग की जा सके। सर, वो देखिए आयशा की लाश। सर इसका पेट तो पूरा फाड़ा हुआ है। निगाह नीचे रखो। बहुत समझदार हो और लंबे चौड़े भी। तुम में इनसे ज्यादा पैकेट भेजेंगे। इधर खड़े। जान पे खेल के जान ही देने आ गए। चार हैं। शुरू किससे करें? सारे के सारे मर चुके हैं, एक भी नहीं बचा। सर अब कैसे पता चलेगा इन सबके पीछे कौन है? ये देखो। इन सबके हाथ में कुछ लिखा है। हाँ सर। उस आदमी के हाथ में भी यही नंबर है। हाँ सर। हो सकता है ये कोई आईडी हो, कोई कोड नंबर। इस तरह का नंबर मैंने पहले कहीं देखा है। अच्छा ये यहाँ पे सिर्फ म्यूजिक सिखाया जाता है? हाँ सर, गाना बजाना, इंस्ट्रूमेंट जैसे पियानो, वायलिन, लगभग सारे इंस्ट्रूमेंट सिखाए जाते हैं सर। म्यूजिक स्कूल में सर, म्यूजिक स्कूल में कई लोगों के हाथ पे इस तरह का नंबर था सर। सचिन यही नंबर होगा। वो सारे लोग इस रैकेट में मिले हुए हैं। लेकिन सर इस नंबर का मतलब क्या हो सकता है? सबके हाथ में एक ही नंबर है। हो सकता है ड्रग्स के धंधे में काम करने वाले लोगों का कोई कोड होगा, या फिर जिसके लिए काम करते हैं उनके बारे में कुछ हो। सर आपका मतलब इनके बॉस का नाम? हाँ हाँ हो सकता है। इसे नंबर की तरह मत देखो, ये कोड है, कुछ भी हो सकता है। किसी का नाम, पता या फिर डेट। तो सर ये किसी का नाम है तो इस कोड में से हम इसे बाहर कैसे निकालेंगे? ट्राई करते हैं। इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स है, तो ये जो कोड है इसे अपने मोबाइल में डाल के मैच करके देखते हैं। नंबर है 6 पे MNO सर। 2 ABC। 4 GHI। 8 TUV। 4 GHI। 5 JKL। 4 MNO सर। इस कॉम्बिनेशन में क्या बनते हैं देखो। ये है सबके पीछे। इससे पहले कि ये कोई और चाल चले, हमें इसे किसी भी तरह रोकना होगा। जल्दी करो। चलो फंक्शन के लिए लेट हो जाएंगे। चलो जल्दी करो। आराम, बस में आराम। चलो ठीक से बैठो। चलो बच्चों मस्ती नहीं, अंदर जाइए। ये भी क्या जल्दी है मैथिली जी? हेलो इंस्पेक्टर। बहुत भाग ली तुम, अब तुम्हारा टाइम खत्म। कुछ तो गड़बड़ है। सीआईडी सामने खड़ी है और उसके चेहरे पे कोई डर नहीं है। वैसे तुम बहुत ही समझदार हो दया। तुम जो सोच रहे हो ना, वो मेरा दूसरा प्लान है। ये बच्चे, वैसे तुम लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं चलती हूँ, और ज्यादा स्मार्ट होने की कोशिश मत करना। ए, 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 चुप, चुप। सिलेंडर नीचे करो। लाना है, मार दूंगा। क्या गारंटी है कि तुम इन बच्चों को कुछ नहीं करोगी? स्टैम्प पेपर पर लिखकर तो नहीं दे सकती। वैसे हाँ, तुम कोई चालाकी नहीं करोगे ना, तो मैं भी इन बच्चों को नहीं मारूंगी। वैसे कहने की जरूरत तो नहीं है। तुम मेरा पीछा मत करना। ठीक है, तुम जाओ। चलो। चलो चलो, शॉर्टकट से निकलेंगे, उससे आगे पहुंच जाएंगे। बच्चा, घबराने की कोई बात नहीं। हाँ विवेक, इन सब बच्चों को इनके परिवार तक पहुंचा दो। चलो। कोशिश अच्छी थी, मगर अपने आप को सीआईडी से ज्यादा समझदार मानना, इससे बड़ी बेवकूफी हो नहीं सकती। और अब हम तुम्हें तुम्हारी सही जगह पे पहुंचा देते हैं। करोड़ों का नुकसान हो गया सिर्फ तुम लोगों की वजह से। अब क्या जवाब दूंगी मैं अपने बॉस को? जवाब? तुम्हें अब भी लगता है कि तुम यहां से बाहर निकलोगी? हाँ? खून, ड्रग्स की स्मगलिंग, फ्रॉड, इतने केसेस हैं कि जिंदगी भर खुली हवा में सांस नहीं ले पाओगी, समझी? आम आदमियों का इस्तेमाल किया तुमने स्मगलिंग वगैरह के लिए। हाँ? हाँ, हम उनसे लिफ्ट लेकर उन्हें बूंदी घाट तक ले जाते थे, फिर उन्हें मारकर उनके शरीर में ड्रग्स भरकर कॉफी में डालकर स्मगल करते थे। किसी को शक नहीं होता था और सब समझते थे कि लोग गायब हो गए। हाँ, और किसी को कानों कान खबर नहीं हुई कि उस कब्रिस्तान के नीचे तुम लोगों ने एक अलग ही दुनिया बना के रखी थी। ये महुआ तो तुम्हारे लिए काम करती थी, रास्ते में लिफ्ट मांगकर लोगों को लेकर आती थी तुम्हारे लिए, फिर उसे क्यों मारा? नाम बदलो उसका। आज उसी के वजह से मैं यहाँ पर हूँ। एक दिन अचानक आई और बोली, इसे सब कुछ छोड़ देना चाहती हूँ, एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हूँ। उस रात आयशा को हम तक पहुँचाकर महुआ ने आयशा की गाड़ी में भागने की कोशिश की। वो हमें बेवकूफ बनाना चाहती थी, लेकिन मैं भी उससे 4 कदम आगे थी। मैंने अपने आदमियों को उसके पीछे लगा दी। बस वो आग, उस आग ने फंसा दिया मुझे। और क्योंकि तुम जानती थी कि आयशा की जली हुई गाड़ी से हम उसके घर तक पहुंचेंगे, तुम खुद आयशा की मां बनकर हमारे सामने आई, है ना? अब बताओ, आयशा के घर वालों का क्या किया तुमने? उसका कोई नहीं था, सिर्फ एक मां थी। तो क्या उसे भी? हाँ हाँ, उसे भी खत्म कर दिया, उसे भी। और उसकी जगह पर मैं आ गई। बेचारे कार्लोस को भी मार दिया। तुम्हारे जैसे लोगों को कानून ऐसी सजा सुनाएगा जो दुनिया याद रखेगी। तुम तो जानवर कहलाने के भी लायक नहीं हो। इतने जुर्म किए तुमने, तुम्हें तो फांसी ही होगी। और तुम्हारे फॉरेन के बॉसेस वो भी नहीं बचेंगे हमारे हाथों, समझे? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.